हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई चल रही है, कैसे स्टडी हो रही है। तो स्टूडेंट, चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आज मैं लेक्चर नंबर 6 लेकर आ रहा हूँ। और इस लेक्चर के अंदर आज हम ब्रीफ कर लेंगे कूलम्स लॉ का, कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका नेचर कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो इन सब फोर्स के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले बच्चों क्या कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर की बात कर देते हैं। लेक्चर नंबर 5 में मैंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताया था, और हमने कहा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है। तो अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप उस लेक्चर को स्किप कर चुके हो, तो प्लीज क्या करिए, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप राइट करिए, बिल्कुल टाइप करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, या कह सकते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर डाल देंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बाय संतोष अग्रवाल, जस्ट यू कैन सी द वीडियो। ओके, और आप क्या करेंगे, उस वीडियो को अच्छे से लास्ट देखिएगा। और उसमें मैंने लास्ट में क्वार्क के बारे में भी बताया था, इसलिए बता दें कि मैंने बता दें जो फंडामेंटल चार्ज होता है इस्तेमाल ही होता है, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में मैंने क्या कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 6 में कूलम्स लॉ के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज लेंगे। और इस वीडियो को क्या करना है, आपको लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना है। और अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई भी कॉन्सेप्ट आप कूलम्स लॉ से रिलेटेड सीख ना पाओ। तो बच्चों सबसे पहले हमारी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 12 फिजिक्स का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना भी फिजिक्स है, हर फिजिक्स के हर पार्ट का, हर टॉपिक का लेक्चर बिल्कुल आपको दिसंबर के लास्ट तक मिल जाएगा। और आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी यूट्यूब के हेल्प से, मेरे वीडियो के हेल्प से आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी सब आ जाएगा, और आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज इसलिए बता रहे हैं कि आपको लास्ट तक वीडियो मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से मिलेगा, हर एक टॉपिक न्यूमेरिकल वाइज मिलता रहेगा, वो भी लेटेस्ट न्यूमेरिकल, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो आया हो, एनसीईआरटी में जो आया हो, चाहे वो एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जेई मेंस का कोई क्वेश्चन अगर होता है तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। बस इसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं कूलम्स लॉ के बाद। मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाया है पूरा का पूरा उसी बेस्ड पे। ओके, तो क्या करिएगा, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर मेरे द्वारा अगर किसी एक बच्चे का ही कल्याण हो जाता है मेरे लेक्चर से, तो मैं अपने आप को बहुत सफल मानता हूँ, बहुत सक्सेस मानता हूँ, कि कम से कम हमारे हेल्प करने से एक बच्चे का अच्छा मार्क्स आ गया। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर, जो लिंक होता है बच्चे, जो वीडियो होता है उसके लिंक को प्लीज शेयर किया करिए ग्रुप में, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन एक्साइट हो, मोटिवेट हो और अच्छे से अच्छा लेक्चर आपको दे सके। ओके, जो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड दिस ऑन द कूलम्स लॉ। स्टूडेंट, कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ डिस्कस होता है दिमाग में चलता है कि कूलम्ब का नियम क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे बताया गया था कि नेचर के अंदर दो चार्ज अगर है तो वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और वो रिपल कर सकता है, तो उनके बीच जो ये फोर्स लगता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का जो फोर्स होता है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। चार्ज के अंदर जो ये फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन रिपल्सन को, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो, या इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये हुआ बात कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है चार्ज के बीच में, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस चार्ज का जो चार्ज है इसके बीच जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा, जिस फार्मूले का यूज करेंगे और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो फोर्स कितना लग रहा है। तो इसी से रिलेटेड बच्चों साइंटिस्ट फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलम्ब बाबा ने क्या किया 1785 में एक लॉ को डिराइव कर दिया, एक रूल को बता दिया, एक लॉ को बता दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ
tells us about the electrostatic force between two charges. But dear student, ध्यान रखिएगा, जो आपका चार्ज होता है वो मूव नहीं करता है, वो रेस्ट में होता है. और वो जो चार्ज होता है वो पॉइंट चार्ज होता है. ऐसा नहीं कह सकते आप एक बहुत बड़ा सा मीन्स कह सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे बोल दूं एक चार्ज बॉडी यहाँ पे एक चार्ज बॉडी यहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. बिकॉज जो आपका कूलम फ्लम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है भाई, पॉइंट चार्ज के लिए होता है. हालांकि हम इसके बारे में भी बात करेंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट टू क्लास. कूलम्स लॉ, तो मैंने आपको बताया कि जो कूलम्स लॉ होता है ये एक्चुअली में दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है. दो चार्ज, अगर सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज क्या है Q2 है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है. इससे रिलेटेड क्या कर दिया, कूलम्स बाबा ने एक रूल बनाया, एक लॉ बना दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ बोलते हैं. तो सबसे पहले कूलम्स लॉ का मैं लैंग्वेज लिखता हूँ. ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मीन्स ये क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से रखिएगा, एक्ट द, यहां पर एड कर सकते हैं एक्ट द, बाकी और कोई दिक्कत नहीं था, एक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, मीन्स आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और सपोज दैट दूसरा चार्ज क्या है आपके पास Q2 है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. मीन्स इनके बीच जो फोर्स लगेगा यफ, वो उनके प्रोडक्ट के क्या होगा, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मीन्स जैसे ग्रेविटेशनल लॉ का होता है, बिल्कुल जैसे न्यूटन ने बताया था, बिल्कुल सेम वैसे कूलम्ब्स बाबा ने बताया. कूलम्ब्स बाबा ने बताया कि अगर आपके पास दो चार्ज Q1 है Q2 है, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स उस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और वही फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, और वही फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वहां पर कूलम्ब्स बाबा ने बताया कि अगर आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक क्या है Q2 है, एक क्या है Q1 है और एक क्या है Q2 है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2. और फिर बताया कि जो फोर्स लगता है उनके बीच स्क्वायर ऑफ जो डिस्टेंस होता है, सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर, इनकी बीच डिस्टेंस कितना है आर है, तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इनवर्सली का मतलब होता है वन अपान करके, तो ये आपका रूल वन हो गया और ये क्या हो गया रूल टू हो गया. तो अगर इस दोनों रूल को मैं क्या करता हूँ कंबाइन करता हूँ, तो कंबाइन करने का रिजल्ट हमको कुछ इस तरीके से मिलता है, यफ प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर. जब फिजिक्स बोलता है कि अगर जब कभी भी आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट बन के आएगा, तो वो कांस्टेंट यहां पे हम ले लेते हैं कैपिटल ए इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. यहां पे जो ए है, ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन कांस्टेंट, ए जो होता है यहां पे इसको क्या बोलते हैं
प्रोपोर्शन कांस्टेंट। अब स्टूडेंट इसके आगे की कहानी क्या होता है, इसके आगे क्या क्या चीजें चलती हैं, तो उसके बारे में फिर से बताएंगे, अभी अगेन रिपीट करेंगे। अभी इसके बाद सब कुछ चीजें हैं, इसके बाद कुछ में प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। तो ध्यान से समझते हैं कि आपके पास यहाँ पे दो चार्ज था, एक Q1 और एक क्या था Q2 था। तो एट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स आपके पास जो दो चार्ज है, जो Q1 और Q2 है, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड एफ प्रोपोर्शनल 1/r². तो इसको मैंने कंबाइन करा दिया, कंबाइन करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r². और फिजिक्स का रूल क्या कहता है कि जब कभी भी आप प्रोपोर्शन को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लेकर आना पड़ता है, और जो कांस्टेंट मैं लेकर आया हूं बच्चों वो क्या है, ए। सो एफ इक्वल टू व्हाट, ए Q1 Q2 r². ओके डियर, सो नोट डाउन इट। सो स्टूडेंट रिजल्ट मेरा आया था एफ इक्वल टू ए Q1 Q2 r², ये फाइलम फार्मूला था एफ इक्वल टू ए Q1 Q2 r². नाउ डियर स्टूडेंट लर्न एक पॉइंट, अब यहां पे आगे का प्रोसीजर भी है, उसको भी अच्छे से देख करिएगा। अगर सपोज दैट ये आपका फोर्स न्यूटन में हो, फोर्स को जब आप मेजर कर रहे हो किसमें हो, न्यूटन में हो, जो चार्ज है, चार्ज कूलम में हो, जो आपका आर डिस्टेंस है ये आपका मीटर मेजर होना चाहिए। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, चार्ज मेजर्ड इन कूलम एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। मीन्स आपका फोर्स न्यूटन में मेजर हो रहा है, चार्ज किसे मेजर हो रहा है, कूलम में मेजर हो रहा है, और आर किसे मेजर हो रहा है, मीटर में। तो एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, बाय एक्सपेरिमेंट हम एक वैल्यू गेट करते हैं एक कल्टू 1/4π0K, एक कल्टू 1/4π0K, ये वैल्यू आपको मिलता है कैपिटल ए की। सो एक कल्टू आर 1/4π0K 1/4π0K। अभी मैं आपको बताऊं एप्सिलॉन क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, कैपिटल के क्या होता है, सबके बारे में भी डिटेल बता रहे हैं। ओके सो ए के प्लस पे क्या पुट करेंगे, 1/4π0K। सो हियर पुट द वैल्यू एफ इक्वल टू 1/4π0K इंटू Q1 Q2 r². दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फार्मूला बिकॉज समवन टीचर राइट दिस फार्मूला एंड अप्लाई दिस फार्मूला एंड गेट द फाइनल आंसर। कुछ लोग ऐसे ही करके लगाते हैं, इसी फार्मूले से लगाते हैं, इसलिए क्या हुआ, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लर्न कर लीजिए। एफ इक्वल टू 1/4π0K इंटू Q1 Q2 r². स्टूडेंट हियर एप्सिलॉन जीरो ये जो होता है परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन जीरो कल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस होता है उसकी परमिटिविटी है, कैपिटल के कल टू दिस इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑफ मीडियम, कैपिटल के क्या होता है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम होता है, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका डिपेंड करता है वो इस पे डिपेंड करता है, कैपिटल के पे, कैपिटल के एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जिस पे कौन डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कूलम्ब्स फोर्स लगता है वो कैपिटल के पर डिपेंड करता है, क्योंकि कैपिटल के की जो वैल्यू होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का, और अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे सपोज दैट अगर मैं एयर की बात कर दूं, एयर की
तो एयर या फिर वैक्यूम हो उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, वन होती है. फॉर एयर के इक्वल टू वन. अगर आपका आपके पास कोई कंडक्टर है उसके लिए के इक्वल टू इन्फिनाइट होता है. के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट. और सपोज दैट इफ एनी वे अगर आपके पास वाटर मिल गया, वाटर की वैल्यू क्या होती है, 81. कुछ बुक्स में 80 भी राइट होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. तो फिलहाल क्या करना है स्टूडेंट, आपको इतनी बातें याद रखना है और ये सबसे लीस्ट वैल्यू होती है के की, इससे मिनिमम वैल्यू नहीं होती, वन से वैल्यू नहीं होता. अगर कोई कहता है क्या के की वैल्यू 0.5 हो सकता है, योर आंसर इज नो. बिकॉज के जो होता है के की सबसे जो छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटा जो मान होता है के का वो कितना होता है स्टूडेंट, वन होता है. और मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनाइट. तो अगर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल के, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल के, सपोज एग्जांपल गिवन 0.5, आपको ऑप्शन दिया है 0.5, 1 एंड माइनस 6. इसमें कहता है नन ऑफ दीज. इसे पूछा ये बताओ कैपिटल के की कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, क्या ये है सही या फिर ये करेक्ट या फिर ये करेक्ट, इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है. तो आपको पता है कि के की वैल्यू कभी वन से कम होता नहीं, तो ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में ऑप्शन तो हो नहीं सकता. नेक्स्ट कौन बचता है, माइनस सिक्स. ये तो भी पॉसिबल है नहीं, बिकॉज नेगेटिव कहाँ होगा, जब वन से कम होता नहीं नेगेटिव आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. ओके तो बचा कौन, वन. हाँ यही सबसे लीस्ट वैल्यू होती है के की वैल्यू होगी किसके लिए, फ्री स्पेस या फिर एयर के लिए. के की वैल्यू कितनी होती है, लिस्ट वैल्यू वन होती है. तो के जो होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. अब इसका डिफरेंशियल वगैरह वगैरह करके बच्चों में बताऊंगा. तो कैपिटल के क्या होता है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम ऑन विच द फोर्स डिपेंड, जिसपे क्या करता है, फोर्स डिपेंड करता है. तो इतने पॉइंट को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ. और एप्सिलॉन जीरो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होता है. अभी मैं बताऊंगा बच्चों कैसे आपका फोर्स ये डिपेंड करता है. एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है. एक फॉर्मूला है सी इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो. तो इसी से बताया जाता है कि जो एप्सिलॉन जीरो होता है उस पर कौन डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है. इस पर कौन डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है. तो इसको बोलते क्या है, एप्सिलॉन जीरो और परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ऑन विच द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला सी इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो. ओके स्टूडेंट, तो अब ये तो माइंड में आ रहा है आपके दिमाग में कि अब हम एफ का फार्मूला क्या रख सकते हैं. तो ये भी करेक्ट है, ये भी लर्न कर लो, एफ इक्वल टू ए क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे एफ इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ये भी सही है, 1/4π एप्सिलॉन जीरो के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि जो एप्सिलॉन जीरो होता है हमारा वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. के क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम. और यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है मिनिमम वो कितना होता है, वन. कंडक्टर के लिए इन्फिनाइट होता है, वाटर के लिए 80 या फिर 81 होता है. आपको ये सब लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. जब भी क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि चार्ज को यहाँ पे इमर्ज कर देते हैं, यहाँ पे डुबो देते हैं, जैसे चार्ज आपको देगा जेएमएस का क्वेश्चन बन सकता है, चार्ज का आपका भी एयर में है, इसको मैं पानी में डुबो देता हूँ, तो जब पानी में डुबोता हूँ तो जो के आता है, के की वैल्यू क्या होगी वाटर के लिए, तो ये सब वैल्यू आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सब याद हो जाएगा अपने आप. क्वेश्चन में दिया है इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है. तो ये तो हो गया, एयर के इक्वल टू क्या हो गया, के इक्वल टू 1, इसके लिए इन्फिनिट होगा, वाटर के लिए के इक्वल टू 81. तो अब क्या करते हैं, रेस करते हैं और इसको पहले फर्स्ट हाफ और क्या करें, इसको राइट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला आया एफ इक्वल टू 1/ ये पाई है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. लेट्स सी हियर, फॉर एयर
आपको मैंने बताया भी एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, वन. लेट्स पुट हियर एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई अल्फा ले नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन. ये भी फॉर्मूला है एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई अल्फा ले जीरो इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, सो बाय एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट वैल्यू होता है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट वैल्यू ये होता है कि जो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है वो 9.0 इंटू 10^9 और इसकी यूनिट क्या बन के आएगी, इसकी यूनिट निकालना है आपको, इसका यूनिट तो क्या होगा यहाँ पे न्यूटन, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे क्या आएगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन. ये होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू, इसको भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सो एफ इक्वल टू हो जाएगा 9.0 इंटू 10^9 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ये हो गया. तो लेकिन ये आपको ये लर्न रखना है कि तो सब सीजीएस सिस्टम सॉरी एमकेएस सिस्टम में है, फोर्स किसमें एसआई सिस्टम में, ऐसा सिस्टम में आपका फोर्स न्यूटन में होता है, चार्ज कूलम में होता है, आर किस में होता है मीटर में होता है. लेकिन अगर मैं बात कर दूं सीजीएस सिस्टम की, सीजीएस सिस्टम की बात कर दूं तो फिर आपका क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है. ये जो पूरी वैल्यू होती है ना, ये कॉन्स्टेंट जो वैल्यू होता है पूरा का पूरा, ये वन के इक्वल हो जाता है. मीन्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो जो वैल्यू हो जाती है पूरा का पूरा वन बन के आता है, सीजीएस में होता है. तो एफ इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. तो स्टूडेंट ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है. तो आप लोग लर्न रखिए एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, सो अगेन एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है किसका, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का. एक सिस्टम में होता है, एमके सिस्टम में फोर्स होता है. सो लेट डिस्कस अबाउट द एप्सिलॉन जीरो डायमेंशनल फार्मूला, वैल्यू एंड यूनिट. अब हम इसके बाद बात करते हैं एप्सिलॉन जीरो का यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट अगेन टेक द स्क्रीनशॉट, बात करते हैं एप्सिलॉन जीरो पे. ओके, एप्सिलॉन जीरो पे बात करने क्या बताया कि एप्सिलॉन जीरो जो होता है, एप्सिलॉन जीरो जो होता है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है. एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो मीडियम की क्या है, प्रॉपर्टी है. और इस प्रॉपर्टी पर क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है. ये कैसे हमें पता चला, इसका फॉर्मूला भी सही अपने माइंड में बिठा लीजिए, सी इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, सी इक्वल टू वन अपॉन म्यू नॉट वन अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यही बताता है कि जो एप्सिलॉन जीरो उस पर कौन डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है. तो अभी तो म्यू नॉट है, अभी म्यू आएगा, सॉरी अभी तो एप्सिलॉन जीरो, अभी एप्सिलॉन आएगा, फिर एप्सिलॉन और आएगा. तो आएगा तो आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता मैं चलूंगा. ओके, तो यहां पे माइंड में आता है कि यूनिट क्या होता है एप्सिलॉन जीरो का, बहुत आता है माइंड दिमाग, बहुत क्वेश्चन पूछता है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो. सो यहां पे देखिए आप ध्यान से, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं. इससे अभी क्या आया था, एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. आपको इसका यूनिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर रिप्लेस कर दो, इसको यहां पर लेकर चले जाओ. तो इसको मैं यहां पर लेकर जा रहा हूं और यह कहां पर आ गया, इस जगह पे. तो निकालो यूनिट, ये चार्ज है इसका कूलम, इसका भी क्या कूलम, इसका फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर. तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये पहली बात हो गई. अब हमको बात करना है वैल्यू पे,
वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। अभी हम क्या बताया गया, ये बताया गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जो वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻¹, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जो वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻¹ होता है। ओके तो अब क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करते हैं एप्सिलॉन जीरो को इधर लेके जाओ, सबको नीचे लेकर आओ, तो यहां पे एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई × 1/9.0 × 10⁻¹। ओके सो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, जब इसको बच्चों पूरा सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व कर लो तो जो वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो 8.85 × 10⁻¹ यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट लर्न कर लो, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो यूनिट की बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की, जिसे डिस्कस करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। एप्सिलॉन जीरो का यूनिट क्या आया था, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां पे क्या है, चार्ज है, यहां पे क्या है, ये चार्ज है, तो चार्ज का होता है 80 डायमेंशनल फार्मूला, तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब एक एन है, एन मींस न्यूटन, तो फोर्स, और फोर्स क्या होता है MLT − 2, और ये लेंथ है तो लेंथ का L2 हो गया। तो अब इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं, तो M+1 है इधर ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा -1, तो M − 1, L2 यहां पर L, तो क्या हो जाएगा L − 3, T2 यहां पर T − 2 पर गया तो क्या हो जाएगा T4 हो जाएगा। समझ में आई बात, देखो यहाँ पे T2 है, ये T − 2 है, तो जब T − 2 ऊपर जाएगा तो T⁻², फिलहाल T⁻² नहीं बोलते हैं, T2 बोलते हैं, तो T2 कितना हो जाएगा T⁴, बट पावर मत बोलिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ T⁴, और लास्ट में यहाँ पे क्या हो गया T2। तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला को लर्न करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है, अगर आपको यूनिट पता हो या फिर फार्मूला पता हो तो डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, इतने डिफरेंट आते हैं, जैसे आप फर्स्ट पेपर में तो थोड़ा बहुत लर्न भी कर लेते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैग्नेटिज्म ये सब चैप्टर को डील करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला को लर्न करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम लर्न नहीं करते हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। और डायमेंशनल फार्मूला के अंदर सबसे बड़ी चीज और होती है, बच्चों याद कर लीजिए दिमाग में, यहाँ पर जितने भी सब क्वांटिटी है ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी, एक चीज सेम होता है, ये मास है, सॉरी ये कुछ भी हो, ये मास हो, डिस्टेंस हो, ये टाइम हो, ये करंट हो, सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन है तो सब फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कोई पूछ सकता है आपसे कि ये बताओ डायमेंशनल फार्मूला में जो हम फिजिकल क्वांटिटी को राइट करते हैं उसमें कि क्या सेम होता है, बोलो कि क्या, कि सर वो दोनों सब जितने भी होते हैं सभी के सभी सब फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला M − 1 L − 3 T⁴ A₂, फिलहाल आपको ये लर्न करना बच्चों अभी से ही स्टार्टिंग का है फर्स्ट, तो लर्न कर लो, नहीं तो आपको लास्ट में इतना पढ़ ही लोगे इसको, लर्न अपने आप हो जाता है M − 1 L − 3 T⁴ A₂। तो स्टूडेंट नाउ डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, जो कूलम्ब्स लॉ होता है एक्चुअली में किसके किसके लिए वैलिड होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स लॉ, फर्स्ट ये है कि जो कूलम्ब्स लॉ है इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बहुत बड़ा सा रॉड ले लेते हैं और रॉड की वजह से अगर आप फोर्स लगाते हैं, एक रॉड सपोज आपके पास यहां पे है और एक रॉड आपका यहाँ पे है, जैसे सपोज है कि यहाँ पे एक यहाँ पे रॉड मैंने दे दिया और एक रॉड छोटा सा यहाँ पे दे दिया, और सपोज यहाँ पे 3 μC चार्ज हो गया, इस पे 6 μC चार्ज हो गया, और मैं आपसे बोलूं इसके बीच का डिस्टेंस भी दे दूं 3 मीटर,
और फिर आपसे बोलो कि यहाँ पे फोर्स निकालो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अगर आप ये सोचते हो कि एफ इक्वल टू लगा दो 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 r2, तो दैट्स नॉट क्लियर, वो सही आंसर नहीं आएगा, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बिकॉज ये किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्ज लिए। हमारा चार्ज कैसा है, छोटू टाइप का, बिल्कुल छोटू चार्ज, बिल्कुल लग जस्ट लाइक एज अ पॉइंट, एक पॉइंट जैसा दिखना चाहिए, लुकिंग एज अ पॉइंट। देखो ये इसलिए कहते हैं ना, एक चार्ज यहाँ पे कभी बड़ा सा नहीं बनाते हैं, तो अगर बड़ा सा बना दोगे भाई वो बड़ा चार्ज हो जाएगा, वो पॉइंट चार्ज नहीं बन पाएगा। और हमारा कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, उसके लिए नहीं होता है। ओके, तो ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज, ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर भाई आपका मोशन चार्ज मोशन कर रहा है, अगर ये आपका चार्ज छोटा सा है, अगर वो मोशन कर रहा है ट्रिंग ट्रिंग करके यहाँ पे ऐसे फिर यहां से ऐसे फिर यहां से ऐसे फिर यहां से ऐसे फिर ऐसे ऐसे, तो अब फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ का फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है? नो, दैट्स नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो आपका हो जाता है लॉरेंज फोर्स। आपको मैग्नेट में बताऊंगा, मैग्नेट चैप्टर में, वो कैसा फोर्स होता है, वो कैसा फोर्स होता है बच्चों, वो होता है भैया आपका लॉरेंज फोर्स। तो जब आपका चार्ज लर्न कर लो, जब आपका चार्ज ऐसे ऐसे मोशन करने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे ऐसे मोशन करने लगे, तो वहां पे कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है, वहां पे कैसा फोर्स लगता है, क्या लगता है बोलो, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट कुछ अलग तरीके से है, क्योंकि उसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं ना, तो उसी बेसिस पे हम बेलाशिस इलेक्टर को बनाए हुए हैं, तो डिस्कस किया जाएगा वहां पे बाद में जब उसको बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड बच्चों कुछ बातें जान लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो इलेक्ट्रो, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि इसके द्वारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, बस ये सब डिपेंड नहीं करता कि आप चार्ज कहां पे है और कहां से कहां पे लेकर गया है, इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता। सपोज दैट चार्ज आपका यहां से यहां पे गया, और एक चार्ज को फिर आप यहां से यहां पे ले गए, चार्ज आपको यहां से यहां पे ले गए, तो इन सबसे मतलब नहीं होता, पाथ के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इस पे डिपेंड करते हैं कि चार्ज को आपने क्या किया, कहां से ले गया, कहां से ले गए, किस पोजिशन से और कहां पे ले गए, यही वर्क होता है कंजर्वेटिव फोर्स। और इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा अगर आप एक साइकिल में वर्क कर देंगे, तो एक साइकिल में वर्क जो होता है वर्क डन जीरो होता है। तो यही होता है कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन जो होता है जीरो होता है, लेकिन किसमें, क्लोज साइकिल में, एक क्लोज साइकिल में। फिलहाल आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर बहुत अच्छे से बताया जाता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज इसके द्वारा जो वर्क डन होता है कंप्लीट साइकिल में जीरो होता है, उसके द्वारा वर्क डन जो होता है डिपेंड ऑन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, नॉट द लेंथ ऑफ पाथ। ओके, ये क्या कहता है, चार्ज को आप किस तरीके से ले गए हो, कहां से ले गए और कहां पे पहुंचाए हो, बस इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप चार्ज को किस मार्ग से ले गए हो, इधर से ले गए हो, नीचे से ले गए हो, या फिर ऐसे ले गए हो, इससे डिपेंड नहीं करता। आपने चार्ज को कहां से उठाया और कहां पे ले गए, बस उसी पे डिपेंड करता है, उनके बीच फोर्स लग जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इलेक्ट्रिक या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो फोर्स इज सेंट्रल फोर्स,
जो हमारा फोर्स है कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब समझो, सेंट्रल फोर्स का मतलब समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स जो केंद्रीय बल होता है वो कैसे हो गया समझो। तो केंद्रीय बल का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट एक चार्ज यहां पे है Q1 और एक चार्ज आपका यहां पे क्या है Q2 है, तो इनका जो फोर्स ऑफ एक्शन होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है, मतलब जो कहते हैं कि फोर्स पर जो क्रिया रेखा होती है वो उसको मिलाने वाली, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर ही होती है। मतलब आपने कहा जो भी फोर्स लगता है वो इसी लाइन पे, मिड पॉइंट जो होता है इनके बीच का, इनके बीच का, उसी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होती है। ऐसा नहीं कह सकते सर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी जो क्रिया रेखा है वो इधर आएगी यहीं पे, या फिर इसकी जो क्रिया रेखा है वो इधर आएगी। तो लाइन इसलिए देखो, जैसे देखो आपको बताया गया जो फोर्स होता है, फोर्स के वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन तो होता है ना, तो वो डायरेक्शन आपका इस पे नहीं हो सकता, वो डायरेक्शन जो होगा वो उसी पे होगा। ज्वाइन लाइन जो होती है, जो लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है उसी पे होती है, ये भी ज्वाइन कर रही है ना, बट इस पे नहीं होगा, मिड पॉइंट को डायरेक्टली सीधे आप ज्वाइन कराओगे इस लाइन से, ये फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसी पे लाई करती है। ओके, तो ये था सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हमने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करता है। अगर उसको आप एक्स्ट्रा कहीं बाहर से जोड़ रहे हैं, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, एक चार्ज यहां पे, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, एक चार्ज यहां पे, तो इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट यहां है। तो अगर आप कहते हो सर इनके बीच जो फोर्स लगा इधर लगा, नहीं, ये फोर्स इधर का डायरेक्शन इधर नहीं होगा, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा ये, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी कैसा ही फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ओके, तो इसलिए इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द, ये भी हम क्लास क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में आपको हम फिर मिलेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड सॉल्व टू सर एनसीईआरटी प्रॉब्लम, कुछ न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड के और एनसीईआरटी के आए रहेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।